वरुण धवन की फिल्म का, जिसमें एक्ट्रेस भी सामने आपको दिखाई दे रही है। और साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये फिल्म का जो ट्रेलर है ये कल रिलीज होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल कल रिलीज होने वाला है 1 बजे, और ये ऑफिशियल खबर है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि भैया सूर्या भैया बता दो तो एक अच्छी बात होगी, तो चलिए आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर इस पूरे पोस्टर में देखो तो आप फूल बिखरे हुए नज़र आएंगे, और हाथों में भी देखोगे तो एक्ट्रेस के हाथों में फूल नज़र आएंगे। और अभी तक जो भी पोस्टर है, जो भी चीज़ें सामने आई हमें, वो झाड़ियों की चीज़ें दिखाई दी है, हरी भरी झाड़ियाँ, फूल दिखाए गए हैं। और जो महीना होता है अक्टूबर का, वो मौसम कैसा होता है उस समय, कैसे एक किस तरह से नेचर रहता है, वो पूरा एक नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये लुक देख कर साफ है कि बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फिल्म है। और इस फिल्म कुछ ऐसा है कि यार शायद बहुत ही पेन में है वरुण धवन, उन्हें याद आ रही है उनकी उन्होंने जिसे प्यार किया था वो बंदी, या ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है फिल्म की स्टोरी बहुत डिफरेंट होने वाली है, और वरुण धवन हमेशा सरप्राइज करते हैं, और इसमें बहुत यूनिक डिफरेंट उनका किरदार लग रहा है। अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं, डायरेक्टर ने साफ रखा है कि भैया जब तक हम ट्रेलर नहीं दिखाएंगे तब तक ऐसी क्वेश्चन बनाते रहो दिमाग में। तो ये क्वेश्चन के सवाल हमें कल मिलने वाले हैं, और ये फिल्म आने वाली अक्टूबर में, यहाँ पर भी फूल देख सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा फूल है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने हाथों में इस फूल को लिया है और बहुत प्यारा लगता है फूल। तो ये फूल बहुत बढ़िया पोस्टर और लोगो वगैरह बनाया, सुजीत सरकार की फिल्म है, और ये फिल्म का रिलीज़ होगी 13 अप्रैल को। कल ट्रेलर 1 बजे रिलीज़ होगा दोपहर को। आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से यार वरुण धवन फिर से कुछ कमाल करने वाले हैं, और वो पिछले साल 2 बड़ी 100 करोड़ के ऊपर की हिट दे चुके हैं, और शायद अक्टूबर से वापस से वो सेम चीज़ रिपीट करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल कितना ही।